हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, इंडिया वाले आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही कमाल की वीडियो है। अगर आप सबको मैं इस वीडियो का टाइटल बताऊं ना, आप सबने हैरान हो जाना है। तो इस वीडियो का टाइटल है मिस्टर इंडियन हैकर वीएस क्रेजी एक्स वाई जेड। तो वीडियो बहुत ज्यादा मजे की है, बहुत ही कमाल वीडियो है। वीडियो करता हूँ शुरू, आप सब ने मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरा इस वीडियो पर रिएक्ट आप सब लोगों को कैसा लगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैनल जेएस ऑल इन वन। तो गाइस, आपने अभी तक टॉप 5 और टॉप 10 एक्सपेरिमेंट यूट्यूबर्स का बाइक कलेक्शन और कार कलेक्शन वीडियो देख ही लिया होगा। ऐसे ही है। लेकिन आज आप लोगों को हम दो एक्सपेरिमेंट यूट्यूबर्स यानी कि मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी एक्स वाई जेड के फुल बाइक कलेक्शन और कार कलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अगर मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी एक्स वाई जेड के आप फैन है तो इस वीडियो को अभी के अभी कर दीजिए लाइक। और आपने अभी तक हमारे चैनल जेएस ऑल इन वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रेजी एक्स वाई जेड के बारे में। तो उनका रियल नेम आप सभी को पता होगा, अमित शर्मा है। क्रेजी एक्स वाई जेड चैनल पर आज 90.2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये बहुत ही जल्दी आप लोगों को 20 मिलियन नजर आने वाले हैं। तो अब हम नजर डालते हैं इनके कार कलेक्शन पर। तो सबसे पहले इनके कार कलेक्शन में नंबर फर्स्ट पर आती है ऑडी Q3। ये कार अमित शर्मा ने अभी हाल ही में खरीदी है जिसका प्राइस है 45 लाख रुपए। लेकिन क्रेजी एक्स वाई जेड भैया ने इसे सेकंड हैंड परचेस की है। नंबर सेकंड पर आती है टाटा सफारी जिसका प्राइस है 23 लाख रुपीज यानी के 23 लाख रुपए। और ये कार करीब इन्होंने एक साल पहले खरीदी थी। और नंबर थर्ड पर आती है हॉन्डाई i20 जिसका प्राइस है 8.5 लाख रुपीज। नंबर फोर्थ पर आती है वैगनर जिसका प्राइस है 4 लाख रुपए। इसके अलावा अमित शर्मा के पास टाटा सोमो, महिंद्रा बुलेरो और बस, ट्रैक्टर, ट्रक, रोलर जैसे व्हीकल्स भी शामिल है। और इसी व्हीकल के साथ अमित शर्मा ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट वीडियोस बना रखा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अमित शर्मा के पास कोई भी लैम्बोर्गिनी या फरारी कार नहीं है, वो सिर्फ वीडियो के लिए थी। तो अब नजर डालते हैं हम इनके बाइक कलेक्शन पर। नंबर फर्स्ट पर आती है टीवीएस अपाचे आरटीआर जिसका प्राइस है 1 लाख रुपए। नंबर सेकंड पर आती है हीरो स्प्लेंडर जिसका प्राइस है 75 हजार रुपए। नंबर थर्ड पर आती है हीरो स्प्लेंडर प्लस जिसका प्राइस है 85 हजार रुपए। नंबर फोर्थ पर आती है टीवीएस स्पोर्ट जिसका प्राइस है 75 हजार रुपए। और नंबर फाइव पर जो इनकी बाइक आती है वह इन्हें गिफ्ट मिली है जो कि इनके टीम मेंबर ने दिए हुए स्प्लेंडर प्लस BS6 जिसका प्राइस है 86 हजार रुपए। और नंबर सिक्स पर इनके पास जो बाइक आती है वह है यामा MT50 जिसका प्राइस है 1.5 लाख रुपीज। और इनके सबसे महंगे बाइक कलेक्शन में से एक यानी के सुजुकी हायाबुसा जिसका प्राइस है 16 लाख रुपए जो कि इनके सबसे महंगे बाइक कलेक्शन में से एक है। और इसके भी साथ इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट वीडियोस बना रखा है। आप सभी ने तो हायाबुसा का एक्सपेरिमेंट वीडियो जरूर देखा ही होगा। अब देख लेते हैं मिस्टर इंडियन हैकर का कार कलेक्शन और बाइक कलेक्शन कैसा है। तो मिस्टर इंडियन हैकर आज वर्ल्ड के नंबर वन एक्सपेरिमेंट यूट्यूबर है और वो इंडिया के भी नंबर वन एक्सपेरिमेंट यूट्यूबर है। इनके चैनल पर आज 23 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुकी है। इसके अलावा इनके पास और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे मिस्टर इंडियन हैकर शॉर्ट्स, मिस्टर इंडियन हैकर व्लॉग्स, टाइटेनियम आर्मी, दिलराज सिंह। तो देखते हैं दिलराज सिंह का कार कलेक्शन कैसा है। सबसे पहले हम इनके कार कलेक्शन के बारे में ही बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट पर आती है हॉन्डाई वर्ना जिसका प्राइस है 14 लाख रुपए। ये कार करीब इन्होंने 2 साल पहले खरीदी थी। नंबर सेकंड पर आती है ओपेल एस्ट्रा जिसका प्राइस है 7.5 लाख रुपीज। और इनके पास एक होंडा सिटी भी है जिसका प्राइस है 11 लाख 50 हजार रुपए। नंबर फोर्थ पर आती है सुजुकी स्विफ्ट डिजायर जिसका प्राइस है 8.5 लाख रुपीज। नंबर फाइव पर आती है मर्सिडीज बेंज जिसका प्राइस है 41 लाख रुपीज। लेकिन ये कार इन्होंने सेकंड हैंड खरीदी थी। नंबर सिक्स पर आती है टाटा नैनो जो कि मिस्टर इंडियन हैकर की फर्स्ट कार है जिसका प्राइस है 2.2 लाख रुपीज। नंबर सेवन पर आती है ओमनी जिसका प्राइस है 2.6 लाख रुपीज। और इनके पास एक महिंद्रा स्कॉर्पियो भी है जिसका प्राइस है 12 लाख रुपए जो कि एक ओल्ड मॉडल है। और इनके पास एक बोलेरो भी है जिसका प्राइस है 8 लाख रुपए। और इनके सबसे महंगे कार कलेक्शन में से एक यानी के टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसका प्राइस है 38 लाख रुपए। इसके साथ भी इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट वीडियोस बना रखा है। आप सभी ने तो फॉर्च्यूनर का एक्सपेरिमेंट वीडियोस जरूर देखा ही होगा। और मैं आप लोग बता दूं
मिस्टर इंडियन हैकर के टीम मेंबर्स ने अभी मिलकर एक कार और खरीदी है, वह है सुजुकी स्विफ्ट डिजायर जिसका प्राइस है 9 लाख रुपए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये टॉप मॉडल में से एक है। अब हम बात करने वाले हैं मिस्टर इंडियन हैकर के बाइक कलेक्शन के बारे में, तो इनका बाइक कलेक्शन कैसे है वो भी देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट पर आती है स्प्लेंडर जिसका प्राइस है 85,000 रुपए। नंबर सेकंड पर आती है एचएफ डिलक्स जिसका प्राइस है 78,000 रुपए। और इनके पास एक यामा R15 V3 भी है जिसका प्राइस है 1.6 लाख रुपीज। और इनके पास बजाज पल्सर 220 भी है जिसका प्राइस है 1.3 लाख रुपीज। इसके साथ भी इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट वीडियोस बना रखा है। और इनके पास एक ओल्ड मॉडल रॉयल इनफील्ड भी है जिसका प्राइस है 1.8 लाख रुपीज। और इन्होंने अभी कुछ ही मंथ पहले एक रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 भी परचेस की है जो कि टॉप मॉडल है जिसका प्राइस है 2.3 लाख रुपीज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते है। तो गाइस ये थी मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी एक्स वाई जेड की फुल कार कलेक्शन एंड बाइक कलेक्शन वीडियो। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप इन दोनों वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी, मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। और क्रेजी वाले का और मिस्टर इंडियन हैकर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेरे हिसाब से मिस्टर इंडियन हैकर बहुत आगे है और उसका चैनल भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। और दूसरी बात ये, अगर इन दोनों की कार सिलेक्शन को देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो है मिस्टर इंडियन हैकर के पास कार भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अपग्रेड मॉडल भी हैं, ठीक है। और जो दूसरे के देख रहे हैं उसके पास काफ़ी ज़्यादा ओल्ड कार्स हैं और मिस्टर इंडियन हैकर के पास काफ़ी सारी महंगी कार्स और बाइक्स भी हैं। वीडियो मुझे तो बहुत ज़्यादा कमाल की लगी। बाकी आप सब लोगों का जो माइंड कहता है मुझे कमेंट करके लाजिम चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बनिए रहिएगा मेरे चैनल के साथ। खुदा हाफिज़।